मसाज के लिए हर गलती हर गुनाह माफ कर, आज के लिए हर गलती हर गुनाह माफ कर। तू काम जो भी कर, तू काम जो भी कर, बस नियत साफ कर। नमस्कार, मैं संजीव किरोड़ीवाल, आपका बायोलॉजी मेंटर है। यू आर वॉचिंग, आप जानते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी ओर से और मेरे चैनल की ओर से, किरो क्लासेस की ओर से, रक्षाबंधन की हार्दिक ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप प्यार फैलाएं, स्नेह फैलाएं, भाईचारा फैलाएं इस दिन और अपना त्योहार जमकर मनाएं। तो त्योहार मनाने के साथ साथ ये मेरा वीडियो है प्लस वन के लिए। आज अपने प्लस वन का लेक्चर स्टार्ट करें। पहला लेक्चर होगा मेरा 11th के बच्चों के लिए, तो वो जरूर देखें जब भी आपको टाइम मिले, ये आपके लिए है। तो आज अपना जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्लस वन का, वो अपना रहेगा प्लांट किंगडम। चैप्टर में है आपके, ये आपके अगर अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम। और अपने बॉटनी से स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये जो चैनल का पहला लेक्चर होगा, वो बॉटनी से स्टार्ट करेंगे। तो बॉटनी जब अपने स्टार्ट करते हैं वनस्पति शास्त्र, तो अपने को पता होना चाहिए पेड़ पौधे क्या है और कहाँ से ये ओरिजिनेट हुए, उत्पन्न कहाँ से, कैसे तैयार हुए और एक प्लांट से दूसरा प्लांट किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से इसका इवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं इसके अंदर। मान के चलते हैं पानी के ऊपर लगने वाली, मान के क्या चलते हैं पानी के ऊपर जो काई लगती है हरे रंग की, ठहरे हुए पानी पर जो काई लग जाती है वो भी प्लांट है, वो भी पादप है। और एक बाहर जो बेनियन ट्री है, बरगद का पेड़, वो भी अपने प्लांट बोलते हैं। तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्यों उनको प्लांट बोला गया, एक ही प्लांट की कैटेगरी में क्यों रखा गया उनको, तो ये सारी चीजों का जो निचोड़ है वो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे माना जाता है और एक्सपीरियंस भी रहा है कि जो बॉटनी एक पोर्शन है बायोलॉजी का, वो लोग कहते हैं कि इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, घास फूस क्या खाना क्या पढ़ाना। तो आज इस पहले लेक्चर के साथ मैं आई एम ट्राइंग टू मेक बॉटनी इंटरेस्टिंग आपके लिए, उसको उसके अंदर स्वाद डालने की कोशिश करेंगे अपने बॉटनी के अंदर। तो पहला अपना चैप्टर रहेगा प्लांट किंगडम, आज उसका अपने शुभारंभ करने वाले। तो आज अपने जब अपने प्लांट किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लांट किंगडम स्टार्ट करने के साथ साथ अपने को पता होना चाहिए कि वाकई में बॉटनी है, वनस्पति शास्त्र है, ये पेड़ पौधों वाली जो चीजें हैं वो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है। तो फादर ऑफ, जैसे इस तरह से पढ़ते कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, हाँ फादर ऑफ बॉटनी कौन है वो अपने को पता होना चाहिए। तो पहली चीज इसमें आती है फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। हिंदी में बात करें तो वनस्पति शास्त्र के पिता कौन थे, तो वाकई में वहां पर जवाब क्या होना चाहिए आपका, थियोफ्रेस्टस। उस इंसान का नाम क्या था, थियोफ्रेस्टस। हिंदी में और लिख देते हैं हिंदी वाले वरना बॉयकॉट कर जाएंगे। तो थियोफ्रेस्टस ये उस बंदे का नाम है जिसने बॉटनी के क्षेत्र में, वनस्पति शास्त्र के क्षेत्र में क्या काम किए, महत्वपूर्ण अविश्वसनीय कार्य किए उन्होंने। उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। उन्होंने एक बुक लिखी, क्या लिखी बुक, बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। बुक जो उन्होंने लिखी उस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम ये बुक का नाम। ये बुक किसने लिखी, थियोफ्रेस्टस। ये बुक लिखी गई हिस्टोरिया प्लांटेरम, और इस हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक के अंदर थियोफ्रेस्टस ने क्या काम किया, क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहले पूछा जाए कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया प्लांट्स का, कि प्लांट को कैटेगरी में किसने डिवाइड किया। जैसे मैंने कहा ना कि अभी काई भी पादप है और इतना बड़ा दिखने वाला जो बरगद का पेड़ है वो भी क्या प्लांट में आता, तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। वो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने किया, थियोफ्रेस्टस ने। और इसने इस बुक के अंदर क्लासिफिकेशन दिया किसका, प्लांट किंगडम का। तो वो उसने चार कैटेगरी में बांटा सभी जो इस पृथ्वी के ऊपर इस सृष्टि में जितने भी प्लांट मिल रहे हैं
उनको चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा है? ट्रीज, जो बड़े दिखते हैं, जिनका ट्रंक है वो लंबा चौड़ा होता है, ट्रंक काफी थिक होता है, उसका डायमीटर ज्यादा होता है, बड़े दिखते हैं, वो सबसे क्या है पहले रखे गए, उनको बोला गया ट्रीज, पेड़, वृक्ष। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बात करें तो वृक्ष हो जाएगा। फिर है श्रब, झाड़ियां, श्रब्स आ गए जो छोटी होती है, कहते हैं उनका जो स्टेम है वो ट्रीज के मुकाबले, ट्रंक है वो ट्रीज के मुकाबले काफी थिन होता है और कमजोर दिखाई देता है, झाड़ियां इसको बोलते हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो ट्रीज और श्रब्स के बीच का है, श्रब्स से बड़े हैं लेकिन ट्रीज से छोटे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? सब श्रब्स, सब श्रब्स, यानी जो उप झाड़ियां बोल दो, या ऐसे प्लांट हैं जो श्रब से तो बड़े हैं लेकिन ट्रीज से छोटे हैं। और लास्ट इन्होंने रखा किसको? सबसे छोटे कौन से होते हैं? जिनको अपने पोटेड प्लांट बोलते हैं, गमले के अंदर लगा सकते हैं, जिनका ज्यादा जो ग्रोथ नहीं होती है, कहने का मतलब हाइट में ग्रोथ नहीं होती और उनका डायमीटर भी थोड़ा रहता है, या कह सकते हैं मोस्टली जो अपने फील्ड के अंदर लगाते हैं, आमतौर पर जो अनाज उगाते हैं वो प्लांट क्या होते हैं? हर्ब्स होते हैं, हर्बेसियस प्लांट्स जिनको बोला गया है। हर्ब्स मतलब शाख, हिंदी में क्या बोलेंगे? शाखीय पादप, जिनका स्टेम भी ग्रीन दिखाई देता है। तो वो क्या है, इन चार कैटेगरी में डिवाइड कर दिया किसने? थियोफ्रेस्टस ने क्लासिफाइड कर दिया किसको? प्लांट्स को, या जितने भी प्लांट किंगडम के अंदर प्लांट आते हैं उनको कर दिया। बुक का नाम आपको याद रखना है स्टोरिया प्लांटेरम, ये बुक लिखी गई थी थियोफ्रेस्टस। तो पहला अपना जो व्यक्ति है, पहला व्यक्तित्व है वो अपने कंप्लीट कर लिया हुआ है थियोफ्रेस्टस, याद। दूसरा बंदा आता है कैडस लिनियस, दूसरे अपने महाशय कौन है? कैरोलस लिनियस, स्पेलिंग बड़ी पेचीदा है इसकी, कैरोलस लिनियस दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, कैरोलस लिनियस हिंदी में और लिख देते हैं, कैरोलस लिनियस, ये मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा। कैरोलस लिनियस कौन थे? उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले दिया था, किस तरह से प्लांट का नाम और किस तरह से एनिमल का नाम लिखा जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति किसने दी? कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी, जिसके अंदर दो पद आते हैं, चाहे आप पादप का नाम लिखो चाहे आप जंतु का नाम लिखो, तो उसका वैज्ञानिक नाम किस तरह से लिखेंगे? दो स्टेप में, या कह सकते दो टर्म के अंदर लिखा जाता है, दो पद में लिखा है। तो पहला जो पद होता है या पहला टर्म आता है वो किसके लिए होता है? वंश के लिए, जीनस के लिए, और दूसरा होता है स्पीसीज के लिए, प्रजाति के लिए। यह पढ़ चुके हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने स्टार्ट किया? कैरोलस लिनियस से, चाहे वो प्लांट का नाम हो चाहे वो एनिमल का साइंटिफिक नेम हो, किस तरह से लिखा जाना चाहिए वो बताया कैरोलस लिनियस ने, जिसको आज भी अपने फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद ये अपने कैरोलस लिनियस हो गए, उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद अपने आते हैं अपने महाशय, कौन है? विटेकर, कौन है? विटेकर आते हैं 1969, विटेकर 1969। ये इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया? इन्होंने सबसे पहले जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर, इस अपने अर्थ के में, इस प्लेनेट के ऊपर जितने भी स्पीसीज मिलती है, किन की, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे माइक्रोब्स की, सूक्ष्म जीवों की, उन सबको उन्होंने पांच किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया, और इनकी जो हाइपोथेसिस थी उसको बोलते हैं फाइव किंगडम हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? फाइव किंगडम हाइपोथेसिस, पांच जगत अवधारणा। तो इनने सारे जितने भी जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं पृथ्वी के ऊपर मिलने वाले, उनको विटेकर ने पांच अलग अलग ग्रुप में बांट दिए, अलग अलग जगत में, किंगडम में बांट दिए। वो भी आपने पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं। जो पहला अपने पास है,
पहला कौन सा है जो सब उन्होंने इनका क्लासिफिकेशन किया कि कौन सबसे प्रिमिटिव है और कौन सबसे मोस्ट डेवलप्ड है, कौन सबसे पुराने है कौन सबसे नए है। तो उन्होंने जो प्रिमिटिव सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो कौन से थे, किसमें रखा गया उसको, मोनेरा में, इनमें रखा मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। दूसरा प्रोटिस्टा, दूसरा कौन सा है, पहला मोनेरा है, दूसरा प्रोटिस्टा है, और उसके बाद फंजाई आ गया आपके, कवक जिसको बोला गया, फंजाई या कवक, और उसके बाद फोर्थ कौन सा है, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी या पादप जगत, और उसके बाद, उसके बाद कौन है सबसे मोस्ट डेवलप्ड, किनको माना गया एनिमल्स को, तो एनिमेलिया, एनिमेलिया या जंतु जगत। तो सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई या कवक, उसके बाद प्लांटी या पादप जगत, और सबसे लास्ट में एनिमेलिया या जंतु जगत। ये पांच जगत या पांच किंगडम या पांच ग्रुप बना दिए किसने, व्हिटेकर ने, ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि अर्थ के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें से कह सकते हैं कि जो किंगडम प्लांटी है, अपने तो प्लांट की बात करें, बॉटनी वाला सेक्शन कर रहे हैं, तो जो किंगडम प्लांटी है उसमें जितने भी वेजिटेशन है, जितने भी पादप है, जितने भी वेजिटेशन है जो पृथ्वी के ऊपर ये वनस्पति मिलती है, उन सबको किसमें रखा, उनके लिए अलग से जगत बनाया उसने, उसका नाम है किंगडम प्लांटी। एक और पढ़ना है अभी अपने को, बेंथम एंड हुकर। अगले कौन है, बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंजियोस्पर्म के बारे में सुना होगा आपने, एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एंजियोस्पर्म्स या आवर्तबीजी, जिनके बीज ढके रहते हैं, जिनमें फ्लावर लगते हैं, पुष्पीय पादप जिनको बोला गया है, मोस्ट डेवलप्ड पादप जो अपने आसपास लगते हैं वो एंजियोस्पर्म, उनका क्लासिफिकेशन दिया, इनका क्लासिफिकेशन दिया एंजियोस्पर्म, जिनको अपने पढ़ते हैं अपने टेक्स्ट बुक में लगता है, इंपॉर्टेंट है, काफी काफी फॉलो करते हैं बेंथम एंड हुकर। इनका जो क्लासिफिकेशन, ये वर्गीकरण दिया उन्होंने, एंजियोस्पर्म को डाइकोट मोनोकोट में क्लासिफाइड किया इन्होंने, किन्होंने किया, बेंथम एंड हुकर में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म में। अब किसके बेस पर किया, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक लक्षणों के आधार पर, सेक्सुअल और एसेक्सुअल फीचर्स या कैरेक्टर के बेस पर एंजियोस्पर्म को क्लासिफाइड किया किसने, बेंथम एंड हुकर। बायलैंग्वल लैंग्वेज चल रही है तो इसमें हिंदी में मैं बोल रहा हूं, बेंथम एंड हुकर जैसे लिखा हुआ है वैसे हिंदी में भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, बेंथम एंड हुकर। फिर एंजियोस्पर्म के उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, आवर्तबीजी जिनको बोलते हैं, किसके आधार पर दिया, सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक लक्षणों के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया किसका, पादपों का, कौन से पादप है, आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म। लास्ट एक और कर लेते हैं, इतना इनफ होगा। आइकलर लास्ट अपने पास कौन आ गए, आइकलर, इसको हिंदी में लिख देते हैं आइकलर। आइकलर जो है इन्होंने क्या काम किया, देखिए कुछ पादप है वो बीज बनाते हैं, कुछ प्लांट है वो बीज नहीं बनाते, कुछ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं और कुछ नॉन सीडेड प्लांट होते हैं, नॉन जो प्रोड्यूस नहीं करते, क्या सीड प्रोडक्शन नहीं करते, नॉन सीड प्लांट या नॉन सीडेड प्लांट्स, नॉन सीडिंग प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। आइकलर ने क्या काम किया, एक तो ऐसे पादप होते हैं जो बीज नहीं बनाते,
सीडलेस प्लांट जिनको बोला गया, और दूसरे वो होते हैं जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं, जो बीज बनाते हैं। आज के टाइम में आसपास आपको देखने को मिलता होगा कि मोस्टली अपने को बीज वाले पौधे दिखाई देते हैं, जिनको अपने बीज को बोते हैं, सो आउट करते हैं और एक नया प्लांट जर्मिनेट हो उठता है। लेकिन जो प्रिमिटिव प्लांट, प्रिमिटिव मतलब एल्गी पढ़ेंगे अपने, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे और उसके बाद टेरिडोफाइटा आएगा, तो ये जो प्लांट है उनमें बीज नहीं बनते। तो उसने दो कैटेगरी या फिर प्लांट को किसके बेस पर, सीड के बेस पर दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। किसके बेस पर? सीड के बेस पर। सीड के बेस पर दो वर्गों में बांट दिया। पहले वो जो सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं। दूसरे कौन से हो जाएंगे? सीडलेस। दूसरे कौन से हो जाएंगे? सीडलेस प्लांट्स हो जाएंगे। तो दो तरह के प्लांट है, जो नो जो सीडलेस प्लांट है, जो कि बीज नहीं बनाते, उनको क्या नाम दिया, उनको क्या नाम दिया उसने, उन्होंने किस वर्ग में रखा उसको, वो है क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स हिंदी में लिख देते हैं क्रिप्टो क्रिप्टोगेम्स, जिनमें बीज नहीं बनते, जिनमें कौन कौन आएंगे, एल्गी आएंगे, शैवाल, उसके बाद ब्रायोफाइटा, उसके बाद टेरिडोफाइटा। और दूसरे कौन से अपने पास, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट जिनमें बीज बनेंगे, वो कौन से हैं? जिम्नोस्पर्म, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनावर्त बीजी मतलब जिनमें फूल नहीं बनते, फूल नहीं होंगे तो बीज ढके भी नहीं रहते, तो वो जो जिनके नग्न बीज जिनको बोला गया, बीज इसमें बनते तो हैं लेकिन बीज फूलों से ढके हुए नहीं रहते, तो नेकेड सीड्स मिलते हैं इसमें। दूसरे कौन से हो जाएंगे, अभी ऊपर लिखा था जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं वो होंगे एंजियोस्पर्म्स। पहले कौन से हैं, जो बीज बनाएंगे वो तो अनावर्त बीज है, दूसरे जो बीज बनाते हैं वो कौन से, आवर्त बीज, जिनको एंजियोस्पर्म बोला गया। तो ये उन्होंने पांच कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ा आज, व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, कुछ बॉटनिस्ट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले उन्होंने किन के बारे में पढ़ा, थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी। बुक लिखी कौन सी बुक लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। दूसरे कौन से पढ़े, कैरलस लीनियस, जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति दी पादपों के नाम के लिए और जंतुओं के वैज्ञानिक नाम के लिए। उसके बाद अपने पास विटेकर आए, विटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं इस पृथ्वी के ऊपर जितने, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो पादप हो, उनके लिए पांच वर्गों की, पांच जगत की, पांच किंगडम की व्यवस्था की। उसके बाद में कौन आते हैं, अपने बेंथम एंड हुकर, उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया स्पेशली किसका, एंजियोस्पर्म्स का, आवर्त बीजी का, किसके आधार पर, सेक्सुअल और असेक्सुअल करैक्टर के बेस पर, लैंगिक और अलैंगिक लक्षणों के आधार पर। और लास्ट में आइकलर पढ़ लिए, आइकलर ने भी पादपों का बंटवारा किया, दो क्लास बना दिए, एक तो कौन सी, क्रिप्टोगेम्स और दूसरी फनेरोगेम्स। हाँ, इनको क्या बोला गया, जो सीडलेस प्लांट है उनको क्या बोला गया, क्रिप्टोगेम्स, और जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है जिनके अंदर अपने क्या पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं और एंजियोस्पर्म। तो ये जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अपने ग्रुपली एक ही ग्रुप में रखा जाता है इनको, उनको क्या बोलेंगे, क्योंकि वो बीज बना रहे हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है दोनों ही, जिम्नोस्पर्म भी और एंजियोस्पर्म भी, तो इनके लिए एक नाम दिया गया। जैसे सीडलेस जो कि बीज नहीं बनाते उनके लिए क्या नाम दिया गया, क्रिप्टोगेम्स, इनको बोला जाएगा एंजियोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म को एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है, जो बीज बनाते हैं, उनके लिए एक क्लास बना दी गई इन दोनों के लिए, उसका नाम क्या होगा, फनेरोगेम्स। फनेरोगेम्स जिनमें बीज बनेंगे, जिनमें क्या बनेंगे, बीज बनेंगे, फनेरोगेम्स। एक फनेरोगेम्स है, दूसरे क्रिप्टोगेम्स है जिनमें बीज नहीं बनते। तो इन्हीं की अपने को डिटेल करनी है, एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे,
जिम्नोस्पर्म जिनको अनावर्त बीज भी बोला गया, और सबसे मोस्ट डेवलप्ड प्लांट जो कि सबसे सर्वाधिक विकसित पादप है वो कौन से हैं, आवर्त बीज जिनको बोला गया है, एंजियोस्पर्म। तो इनकी अपने सेपरेटली स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी। थैंक यू।